अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब दोस्त ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक हमने देखा है, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पैरेट्स ब्रीड पे आए हों, उनके बच्चे निकले हों, तो उनको किस तरह का फूड देना चाहिए जो कि उनकी हेल्थ के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट हो और जो बच्चे निकले हों उनके लिए भी वो बेस्ट हो और दिनों में बच्चे पलें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम है चैनल पे और अभी तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इस तरह की परिंदों से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। चलें जी, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जी, सबसे पहली चीज़ कि मेरी तरफ से आप सब देखने वालों को रमज़ानुल मुबारक, और उम्मीद है कि आपके रोज़े बहुत अच्छी तरह से गुजर रहे होंगे। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। तो होता है जब हमारे परिंदे जो हैं, कुछ होते हैं जो कि लेट चलते हैं परिंदे। अब हम सर्दी में तो उनको एग फूड डाल देते हैं, तरह तरह की चीज़ें डाल देते हैं, गर्मी आती है तो कुछ परिंदे होते हैं जो कि लेट चलते हैं। यहाँ पे बैठ जाता हूँ। कुछ परिंदे होते हैं जो लेट चलते हैं, जैसे कि आप रिंगनेक लगा लें, रिंगनेक का जो सीज़न होता है ब्रीडिंग का वो होता है मई तक, पाँचवें महीने तक उनका सीज़न होता है, इसके दौरान वो ब्रीड कर देते हैं। अब जो पहले पहले तो परिंदे रह गए, उन्होंने ब्रीड कर दी, वो तो सर्वाइव कर जाते हैं। अब जो परिंदों ने ब्रीड किया है, आप उनको क्या डाल सकते हैं? अगर तो उनके एग्स वगैरह आए हों तो आप उनको सिंपली दाने पे रख सकते हैं, जैसे कि जो है मिक्स सीड मिक्स, जो मैं अपनी वीडियोस वगैरह में बताता हूँ, बना के भी दिखाता हूँ, आप वो सिंपली उनको वो डाल सकते हैं अगर वो एग्स पे आए हों। अगर उन्होंने बच्चे निकाल लिए हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अब आपने क्या करना है? अब आपने सबसे पहले तो ये करना है कि या किसी फ्रूट वाले से बात कर लें, क्योंकि अगर आप अच्छा अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अच्छे फ्रूट डाल सकते हैं। थोड़ा सा बजट कम करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि थोड़े बहुत दागी जो होते हैं ना फ्रूट, वो भी मिल जाते हैं, तो कोशिश करें वहाँ से थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, आप वो ले लें। या फिर कह लें कि जब सेब का सीज़न होता है तो वो छोटे छोटे सेब काफ़ी ज़्यादा होते हैं, सेल ही एक तरह से कह लें, वो काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, वो ले के रख लें। अब आपने बर्ड्स को सबसे पहले सेब डालना है, ठीक है, अमरूद डालना है। जब बच्चे निकले हों तो इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि कभी भी उनके केज से फ्रूट ख़त्म नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट आप उसको डालें, जिसमें आप अमरूद डाल सकते हैं, सेब डाल सकते हैं, नाशपाती डाल सकते हैं, ठीक है जी, स्ट्रॉबेरी जो मीठी होती है वो डाल सकते हैं आप, जो मीठी चीज़ें होती हैं ना फ्रूट में, आप वो तमाम इस्तेमाल करवा सकते हैं सिवाय केले के, ठीक है। केला जो होता है वो रेशा बनाता है, तो उस चीज़ से आपने परहेज़ करना है। यहाँ तक कि अगर जो है वाटरमेलन का, तरबूज का सीज़न चल रहा है तो आप वो भी डाल सकते हैं, जैसे कि अब रमज़ान है, ठीक है जी, रमज़ान के अंदर तो माशाल्लाह वैसे ही फ्रूट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो आप तरह तरह के आम वगैरह भी डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फ्रूट्स में आ गई चीज़ें, अब आपको बताता हूँ थोड़ा सा सॉफ्ट फूड जो होता है। सॉफ्ट फूड के अंदर आप दालें डाल सकते हैं, दाल को भिगो के रख दें, ठीक है, बॉयल नहीं करना, भिगो के रख दें, जब वो तकरीबन लगा लें कि बिल्कुल हाथ से आराम से टूट जाए तब आप उनको डाल सकते हैं। चने डाल दें, चने बहुत शौक़ से खाते हैं रिंगनेक। उसके बाद जो होती है हमारी गंदम, गंदम को तकरीबन दो दिन पानी के अंदर भिगो के रखें, उसके बाद उसको अच्छे से धो लें, ठीक है जी, किसी बिल्कुल डार्क जगह पे रखना है, जैसे आप किचन लगा लें तो किचन के अंदर रखना है ऊपर से ढक के, जब वो फूटना स्टार्ट हो जाएंगे तब भी आप अपने बर्ड्स को खिला सकते हैं। दूसरा ये है कि तरह तरह की साबुत जो दालें होती हैं वो भी आप इसी तरह से, इसी मेथड से, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप उनको लाइक शेडी जगह पे रख के जब वो उगने लग जाएं तब आप उनको इस्तेमाल करवाएं। अच्छा, ये आपको मैंने बता दिया फ्रूट्स का और साथ बता दिया है आपको सॉफ्ट फूड का। अब बताता हूँ आपको सब्जियों का। तो जी हाँ, हमारे जो रिंगनेक हैं वो सब्जियाँ भी खा लेते हैं, जिसके अंदर टमाटर हो गया, शिमला मिर्च हो गई, उसके बाद टेंडी हो गई, कद्दू हो गया, उसके बाद जी बैंगन, इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं। तो कुछ परिंदे हैं जो, मतलब कुछ रिंगनेक्स होते हैं जो कि इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं खाते, तो ऐसे बर्ड्स को आपको आदत डालनी पड़ेगी वो चीज़ें खिलाने के लिए। अच्छा, नॉर्मली आप देखें मेरे माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी हरा भरा सारा कुछ हुआ हुआ है, तो यहाँ पे पुदीना है, आप नॉर्मली डेज़ के अंदर पुदीना डाल सकते हैं इनको। इसके बाद इसी के अंदर मैंने धनिया लगाया हुआ है, ये बिल्कुल इधर धनिया भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर माशाल्लाह देखें मिर्ची आई हुई हैं, मिर्ची भी हम डाल सकते हैं, टमाटर अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर भी आ गए हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ दिन और इसके बाद हमारे परिंदों के लिए भी यहाँ से चीज़ें जाया करेंगी। अब माशाल्लाह लगना हर चीज़ स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल फ्रूटिंग पे है, तो अभी जैसे जैसे चीज़ें तैयार होंगी तो मैं वैसे वैसे अपने परिंदों को भी ये इस्तेमाल करवाता रहूँगा। सबसे पहले अभी तक इसमें से कोई भी सब्ज़ी हमने नहीं तोड़ी है। अच्छा, यहाँ पर देखें ये मैंने लगाया हुआ है, यहाँ पर एक टिंडी है और एक यहाँ पर
जुकीनी का पौधा लगा हुआ है, माड़ू भी इसको कहते हैं, ये भी आप अपने परिंदों को डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं डालूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको बीज बनाने के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है, इसलिए इसको खड़ा ही रहने दूंगा। जितनी भी सब्जियां आपके घर में होती हैं आप एक दफ़ा या दो दफ़ा डाल के देख लें उनको, अगर वो खाते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं खाते तो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आप उनको आदत डालें। इसके बाद यहाँ पे मैंने पालक भी लगाई हुई है इस सेक्शन में, उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ लगा लें कि धनिया, और वहाँ पे मैंने कुछ मेथी लगाई हुई है, वो भी हमारे परिंदे खाते हैं तो वो भी इंशाल्लाह डालेंगे। इस तरह की चीज़ें आप अपने परिंदों को डाल सकते हैं जब वो आए हों आपके पास बच्चों पे। उसके बाद देखें कि जब वो फूड वगैरह एक्सचेंज करते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, वो कम खुद खाते हैं ज़्यादा अपने बच्चों को खिलाते हैं, कोशिश करें कि तब उनके विटामिन्स जो होते हैं, कैल्शियम जो होते हैं, वो सारे आप पूरा रखें। कैल्शियम पी सिरप मिलता है, आप वो फ्रूट्स के ऊपर लगा के दे सकते हैं, उससे उनकी कैल्शियम वगैरह बिल्कुल ज़बरदस्त रहेगी। उसके बाद विटामिन्स के लिए कोई भी आप वहाँ से सिरप ले सकते हैं, वो भी आप इसी तरह से इस्तेमाल करवा सकते हैं, पानी में चाहें पानी में करा सकते हैं, या फिर फ्रूट पे लगा के यूज़ करवाना चाहें तब भी लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी तो बिल्कुल ठीक है मौसम, लेकिन अगर आपके परिंदों ने ऐसे टाइम में ब्रीड किया जब बहुत ज़्यादा गर्मी है, अब देखें यहाँ पर मैं बैठा हूँ कोई मसला नहीं है, लेकिन चंद दिनों के बाद जब मैं यहाँ पर दोबारा वीडियो बनाऊँगा ना तो मेरा यहाँ पर बुरा हाल होगा, अभी देखें पसीना वगैरह कुछ नहीं है, तब बुरा हाल होगा। अगर इस तरह की सिचुएशन में आपके बर्ड ने ब्रीड की हुई है तो उनके इलेक्ट्रोलाइट्स का भी पूरा ख्याल रखें, ठीक है, नमकियात का भी ख्याल रखा करें, वो भी आपने ज़रूर से जो है अपने बर्ड्स के लिए बनाना है। औरस अगर आपके पास कोई कह लें कि अर्जेंट चीज़ नहीं है तो आप जाएं मेडिकल स्टोर से, वहाँ से औरस मिलता है, वो लें, वो पानी के अंदर मिक्स करें अच्छे से, उसके बाद अपने परिंदों को इस्तेमाल करवा दें। ख़ासकर जब आपके बर्ड्स आए हों ना, बच्चों पर आए हों, तब आपने ज़्यादा से ज़्यादा उनकी केयर करनी है ताकि कोई भी किसी किस्म का मसला ना बने, परिंदों की भी जो है हेल्थ में कोई कह लें कि कमी ना आए, और आपके बच्चे जो निकले हों परिंदों के उनकी भी हेल्थ जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जाए। आज की वीडियो में मैंने ये बताना था, बाकी मैं आपको थोड़ा सा इधर का दिखाता हूँ। तकरीबन वीक हो गया होगा मैंने वीडियो डाली, रमज़ान से पहले डाली थी, तो अभी माशाल्लाह आपको दिखाता हूँ कि फ्रूटिंग पर कुछ चीज़ें आई हुई हैं। इसके अंदर आप ये लगा लें, ठीक है, ये तो मैंने खैर बीज के लिए छोड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमारा टमाटर है, तो टमाटर भी लगने शुरू हो गए हैं, देखें बनना स्टार्ट हो गए हैं अंदर। ये हमारी कंपोस्ट के लिए रखा हुआ है लहदा। यहाँ पे हमारा है जी पुदीना, माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है, देसी पुदीना। यहाँ पर हमारी शिमला मिर्च है, तो यहाँ पर भी शिमला माशाल्लाह बननी शुरू हो गई है, ये भी हम अपने परिंदों को डालेंगे। वहाँ पे जो है सिंपल मिर्च है वो भी बनना शुरू हो गई है। हमारे टमाटर हैं बड़े टमाटर, वो भी लगना शुरू हो गए हैं, यहाँ पे भी टमाटर बनना शुरू हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ ये पौधे हैं, तो इसमें भी कुछ कुछ जो है वो बनना शुरू हो गए हैं। ये देखें, ये हैं हमारे बैंगन के पौधे, ये भी माशाल्लाह फ्लावरिंग पे आए हुए हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी मिर्ची के हैं, बहुत कह लें कि अब तकरीबन 100% में से 30% जो पौधे हैं वो फ्रूटिंग पे आ गए हैं। ये हमारी छाँव के लिए जो हमने कद्दू लगाए हैं, ये लगे हुए हैं, इसका मुझे नहीं अभी तक पता चला ये क्या चीज़ है, ये भी पता चलेगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। करेला है, टेंडी है, माशाल्लाह देखें फ्रूटिंग पे आई हुई है, अब फ्रूट बनना शुरू हो गया इसका। ऐसे ही यहाँ पर सारा माशाल्लाह अब अच्छी खासी रौनक बन गई है। तो मज़ीद जो है जैसे जैसे कुछ चेंजेस होंगे तो वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के लिए इतना रखते हैं वीडियो को, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी अगर आपके पास जो है ब्रीड आई हुई है। अगर नहीं आई है तो मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द ब्रीड कह लें कि परिंदे आपके कर दें। आज के लिए इतना रखते हैं वीडियो को, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें जी, अल्लाह हाफिज़।